अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे सब लोग खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। आज की जो सी हमारी रेसिपी वो है बटरफ्लाई बाइट्स, और बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी तैयार होने वाली है। इसके लिए हम लोगों ने जो से चिकन लिया है बोनलेस, इस शेप में आप लोग इसको काट सकते हैं। यहाँ पे जो से हम लोगों ने लिए हैं इन्ग्रीडियंट्स, ये दादी मिर्च, नमक, काली मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च, और ये गरम मसाला, और एक टेबल स्पून जो है कॉर्नफ्लोर की, सब चीज़ें हैं हाफ ऑफ टेबल स्पून, और जो कॉर्नफ्लोर है वो एक चम्मच है। और अब सब चीज़ें इसके अंदर मैं शामिल कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही जो सा है एक चम्मच दही का, वो भी मैं शामिल कर देती हूँ इसके अंदर। अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। ये हम लोग जो से बटरफ्लाई बाइट्स बना रहे हैं, इसकी जो बाइट्स हैं इसको हम लोगों ने पहले मैगिनेट कर लेना है, ताकि जो टेस्ट अच्छे से डिवेलप हो जाए इसके अंदर। अच्छा जी, अब साथ ही जो सा है इसके अंदर मैं 1 टेबल स्पून मैंने सोया सॉस भी डाल दिया है, लेमन जूस भी डाल दिया है, और ये है फ्लोर, ये 2 चम्मच मैंने डाल दिया। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। इसकी जितनी अच्छी मैगिनेशन की होगी उतनी ही अच्छा जो सा इसका टेस्ट वो डिवेलप हो जाएगा। तो मैगनेट करके चाहे आप इसको सारी रात के लिए छोड़ दें, नहीं तो कम से कम इसको 1 से 2 घंटे आप लोगों ने लाजमी मैगनेट करना है। ये देखिए हो गया है मैगनेट। अब इसको हम लोग रख देते हैं रूम टेम्परेचर पे, और फिर आपको दोबारा दिखाते हैं। अच्छा, क्योंकि आज की रेसिपी हमारी बटरफ्लाई बाइट्स है, तो आप लोगों ने जो सा एक अदद आलू लेके उसको ऐसे बारीक बारीक जो सा वो काट लेना है इस तरह से। ये तो व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने जो सा चिकन मैगिनेट किया था वो हम लोगों ने ये रख लिया है। ठीक है, इसको हम लोगों ने 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। और यहाँ पर ये आलू, क्योंकि हमारी रेसिपी चिकन बाइट्स की है, ये देखें लंबाई के रुख बारीक बारीक जो से हैं आलू, वो हम लोगों ने इस तरह काट लेने हैं। तो अब हम लोगों ने यहाँ पर लिया है 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर। इस कॉर्नफ्लावर के अंदर हमने हल्के हाथों पानी डालना है और इसको मिक्स करना है। ध्यान रहे कि जब आप लोगों ने इसको मिक्स करना है कोई इसके अंदर लम्स ना बने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने एक स्लाइस लेके इसको, अब ये जो कॉर्नफ्लावर हम लोगों ने बनाया इसमें डिप करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके अंदर ये जो सा एक चिकन का पीस है इसको हमने रख देना है, और इसको ऐसे फोल्ड करके एक स्टिक लेके इसको बी केयरफुल इस तरह रो देना। इस तरह बाकी में बना लेती हूँ। डिप करके एक चिकन का पीस लेके इस तरह इसे बंद कर लेना, इसके अंदर रो देना। ये तो व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं कि जो से हम लोगों ने चिकन है सबके सब परो ली है स्टिक के अंदर। ठीक है, क्योंकि चिकन बटरफ्लाई हम लोग आज तैयार करने जा रहे हैं। जो घी है वो मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है, और 1 बाय 1 जो से ये सारे हम लोगों ने चिकन बटरफ्लाई की बाइट्स तैयार की हैं इसको हम लोग फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए घी गर्म हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह सारी बाकी की जितनी भी चिकन की बाइट्स हैं वो सारे के सारे मैं रख देती हूँ। तो इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे आप लोगों ने फ्राई करना है हल्के हाथों, क्योंकि चिकन जो है वो कच्चा है, इसको एकदम से नहीं पलटना। जब हल्का सा ये मतलब हाफ डन हो जाए उसके बाद आप लोगों ने इसको चेंज करना है। तो व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं कि ये माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार, इससे मैं चेंज करती हूँ। चिकन बाइट्स जो से तैयार हो रही है ये देखिए माशाल्लाह, खुशबू भी बहुत मज़ेदार आ रही है, तो इंशाल्लाह ये बहुत अच्छी बनेंगी। तो इसको अभी डन नहीं हुई, थोड़ी देर इसको और मज़ीद पका लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। ये तो व्यूअर्स माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो चिकन बाइट्स हो गई हैं तैयार, तो अब इसको हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए माशाल्लाह जो से आलू वो भी क्रिस्पी हो गए हैं, चिकन जो है वो भी हमारा गल गया। बिस्मिल्लाह। ये बाकी भी जो से हमारे चिकन बाइट्स हैं इसको हम फ्राई कर लेते हैं।
इनको भी हम लोगों ने मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करना है और फिर आपको दिखाते हैं। ये तो व्यूवर्स माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो चिकन बाइट्स बटरफ्लाई बाइट्स जो सी हैं वो हमने आज शेयर किया आपके साथ, हो गई हैं तैयार। तो बटरफ्लाई की रेसिपी उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगी। तो बटरफ्लाई बाइट्स में से एक बाइट को मैं आपके सामने टेस्ट भी कर लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि कैसे बनी है ये। क्रिस्पी क्रिस्पी माशाल्लाह। ओह केचप तो मैं भूल गई, लेकिन चलें केचप के बगैर ऐसे ही टेस्ट कर लेते हैं। माशाल्लाह टू गुड, बहुत अच्छी बनी है। तो व्यूअर्स मैं करते हैं कि आपको जो आगे रेसिपी पसंद आएगी पसंद आए हमें अपनी फीडबैक दें और हमारे चैनल को भी नाल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो व्यूअर्स देते हैं आप लोगों से इजाज़त, इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। हम आपके लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।